गाइस अपना अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ लक में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अग्निवीर की तरफ से XY ग्रुप फाइनली नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है 2023 एंड 2024 का बैच होने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं दोस्तों इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कब से कब तक ये ऑनलाइन अप्लाई चलने वाला है दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो सारी जानकारी A to Z इस आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों इसलिए आप लोग को वीडियो बिना स्किप करके एंड तक देखते रहना और बने रहना। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जिस चैनल आप देख रहे हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑल इंडिया गवर्नमेंट के जॉब के रिलेटेड के बारे में इस चैनल में सारी इन्फॉर्मेशन देने को भी मिलते रहेगा, पूछते रहेगा। चैनल ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना बोले और लाइक करना ना बोले। तो चलो दोस्तों वीडियो बिना टाइम वेस्ट करके चलो आगे बढ़ते, लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों देख सकते हो फाइनली मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर मैं आ चुका है दोस्तों। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करेगा तो दोस्तों इंडियन एयरफोर्स वायुसेना कहा जाता है दोस्तों हिंदी में। तो दोस्तों नेम ऑफ स्कीम आप लोग को पता होगा दोस्तों अग्निपथ, आप लोग को 4 साल के लिए PM मोदी ने निकाला गया है, न्यू स्कीम करके बना है, आप लोग को पता होगा दोस्तों अग्निवीर अग्निपथ कहा जाता है 4 साल के लिए दोस्तों। इसके लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ है, इसके लिए दोस्तों इसमें नेम ऑफ फोर्स देख सकते हो इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इंटेक 2024 का बेस होने वाला है दोस्तों। जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया दोस्तों, किसी भी राज्य से किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो तो दोस्तों इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट बात करें तो टोटल वैकेंसी की बात करें तो अप्रोक्सीमेट इसमें 3500 पोस्ट आप लोग को इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा। सर्विस ड्यूरेशन की बात करेंगे तो दोस्तों इसमें आप लोग को अग्निवीर अग्निपथ के आप लोग को पता है दोस्तों आप लोग को 4 साल का ये जॉब होता है दोस्तों। इसके लिए दोस्तों ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करना होगा दोस्तों। इसमें ट्रेनिंग ड्यूरेशन की बात करेंगे तो दोस्तों इसमें 6 मंथ आप लोग को ट्रेनिंग ड्यूरेशन आप लोग को ट्रेनिंग करा जाएगा दोस्तों। इसका लास्ट डेट ऑनलाइन लास्ट डेट होने वाला है दोस्तों 17 अगस्त 2023 तक ये ऑनलाइन अप्लाई चलने वाला है दोस्तों। जिस कैंडिडेट आप इंडियन एयरफोर्स अग्निपथ में अगर जाना चाहते हो तो दोस्तों अप्लाई करना चाहते हो तो दोस्तों 17 अगस्त 2023 पहले आप लोग को अप्लाई करना होगा दोस्तों। तो बात आती है दोस्तों कब से कब तक ये ऑनलाइन अप्लाई चलने वाला है, कैसे आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा तो मैं आप लोग को आगे बताता हूँ दोस्तों। बात आती है दोस्तों इसमें एज लिमिट, बात ये इंपॉर्टेंट चीज, एज लिमिट की बात करके तो दोस्तों 17.5 ईयर से लेकर 21 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। आपका डेट ऑफ बर्थ होना जरूरी है दोस्तों 27/6/2006 से लेके 27/12/2006 पहले आपका बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना जरूरी, मतलब आपका 17.5 साल से लेके 21 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। बात आती है दोस्तों एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ऑल कैंडिडेट के लिए आप लोग को 250 रुपीज़ अट्ठाईस सौ रुपया आप लोग को ऑनलाइन माध्यम से आप लोग को पे करना होगा दोस्तों। बात आती है दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन की बात करेगा तो क्लास 12 पास होना जरूरी है दोस्तों। क्लास 12 के साथ साथ आपका मैथमेटिक्स फिजिक्स इंग्लिश का सब्जेक्ट होना जरूरी है दोस्तों, मतलब आपका साइंस स्ट्रीम का होना जरूरी है क्लास 12 में। उसका साथ इसमें आपका परसेंटेज अगर बोर्ड लिस्टेड COBSE मेंबर में है तो अगर 50% लाना जरूरी है दोस्तों। इसमें और दिया गया है दोस्तों अगर और का मतलब अगर इसमें अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो इसमें भी आपका क्वालिफिकेशन हो सकता है, वो आपको देख लेना दोस्तों। अदरवाइज आप लोग को इसमें पास 3 ईयर्स डिप्लोमा कोर्स होना जरूरी है दोस्तों, उसका इंजीनियरिंग कोर्स में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल कंप्यूटर साइंस में अगर है तो इस कोर्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। अगर पॉलिटेक्निक में भी आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, लेकिन आपके पास परसेंटेज 50% लाना जरूरी है दोस्तों। इसमें आप लोग को देख सकते हो दोस्तों इसमें भी और दिया गया दोस्तों और मतलब आप लोग को पता है दोस्तों। इसमें भी दोस्तों देख सकते हो 2 ईयर्स का वोकेशनल कोर्स अगर है तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। फिजिक्स मैथ्स का आपका सब्जेक्ट होना जरूरी है दोस्तों, उसका साथ इसमें आप लोग का 50% लाना जरूरी है दोस्तों। इसमें अदर पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो दोस्तों 10+2 मतलब आपके पास क्लास 12 पास होना जरूरी है दोस्तों। क्लास 12 में साथ साथ इसमें 50% लाना जरूरी है दोस्तों, लेकिन आपका सब्जेक्ट में इंग्लिश मस्ट कंपलसरी होना जरूरी है, ये मैंडेटरी है दोस्तों। इसमें भी और फीचर्स दिया गया दोस्तों। इसमें 52 ईयर्स वोकेशनल कोर्स आपका रिकॉग्नाइज बहुत होना जरूरी है और इसके साथ साथ आपका 50% लाना जरूरी है। और इसके ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट की बात करेंगे तो दोस्तों देख सकते हो 27 जुलाई 2023 जो ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगा दोस्तों 17 अगस्त 2023 पहले आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई
करना होगा दोस्तों। जब ऑनलाइन अप्लाई लिंक एक्टिव होगा दोस्तों, आप लोग को रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंटआउट फॉर्म तक आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, मैं आप लोग को सारी जानकारी मैं इस चैनल में मैं आप लोग को सारी प्रोवाइड कर दूंगा। इसलिए आप लोग को घबराने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए आप लोग को जरूर सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना, और सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट बात आती है दोस्तों, इसका ऑनलाइन एग्जाम डेट होने वाला है दोस्तों, इसमें भी दिया गया है दोस्तों 10 अक्टूबर 2023 में ये ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन एग्जाम डेट होने वाला है दोस्तों। इसमें 10/10/2023 में आप लोग को ये एग्जाम होने वाला है दोस्तों। इसका एडमिट कार्ड कब निकलेगा, अभी तक नोटिस नहीं दिया गया, जब देगा मैं आप लोग को इस चैनल में सारी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। बात आती है दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों पहले आप लोग को रिटर्न एग्जाम होगा दोस्तों। रिटर्न एग्जाम का मतलब आप लोग को CBT में आप लोग को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आप लोग को पहले कंप्यूटर माध्यम से आप लोग को ऑनलाइन एग्जाम देना होगा दोस्तों। उसके बाद आप लोग को PET and PSC होगा दोस्तों, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल वेरिफिकेशन, उसके बाद आप लोग को मेरिट लिस्ट में आप लोग को दिया जाएगा दोस्तों। बात आती है दोस्तों पे स्केल, पे स्केल की बात करके तो दोस्तों आप लोग को अग्निवीर अग्निपथ स्कीम है तो आप लोग को पढ़ाएगा दोस्तों। एक साल में पहले साल में आप लोग को 30,000 दिया जाएगा, उसके बाद सेकेंड ईयर में आप लोग को 33,000, और थर्ड ईयर में आप लोग को 35-36,000, और लास्ट ईयर में फोर्थ ईयर में आप लोग को 40,000 आप लोग को दिया जाएगा। आफ्टर आप लोग को पे एग्जिट करने के बाद आप लोग को 11.71 लाख आप लोग को पैकेज में आप लोग को दिया जाएगा। मतलब आप लोग को पेंशन आने के बाद आप लोग को 4 साल के बाद आप लोग को जब घर आओगी तब आप लोग को 12,71,000 आप लोग को हैंड में आप लोग को दिया जाएगा दोस्तों। बात आते हैं दोस्तों इसमें एग्जामिनेशन सिलेबस, सिलेबस की बात करें तो दोस्तों इसमें सिलेबस में आप लोग को टोटल आप लोग को साइंस सब्जेक्ट के लिए आप लोग को टोटल 60 मिनट आप लोग को टाइम दिया जाएगा इसमें दिया गया दोस्तों। और सिलेबस की बात करेंगे तो आपको क्लास 12 लेवल का आपको साइंस सब्जेक्ट में जो भी होता है वहीं से आप लोग को सिलेबस बनने वाला है दोस्तों, इसमें साफ साफ बताया गया है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेगा तो दोस्तों इसमें रीजनिंग में भी इस पर आप लोग को दोस्तों देख सकते हो, अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए दोस्तों 45 मिनट आप लोग को टाइम दिया जाएगा दोस्तों। इसमें इसमें देख सकते हो रीजनिंग जनरल अवेयरनेस आप लोग को होने वाला है दोस्तों। साइंस सब्जेक्ट अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए दोस्तों टोटल ड्यूरेशन आप लोग को 85 मिनट आप लोग को टाइम दिया जाएगा। इसके साथ साथ इसमें आपका सिलेबस होने वाला है दोस्तों इंग्लिश फिजिक्स मैथमेटिक्स में आप लोग को, और रीजनिंग जनरल अवेयरनेस में आप लोग को दिया जाएगा दोस्तों। बात आती है दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्क भी होता है दोस्तों, नेगेटिव मार्क आप लोग को याद रखना है दोस्तों। देख सकते हो इसमें वन मार्क फॉर इच करेक्ट है, आप लोग को एक क्वेश्चन अगर करेक्ट करोगे तो आप लोग को 1 मार्क आप लोग को दिया जाएगा, इसमें साफ साफ बताया गया है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेगा तो दोस्तों इसमें नील 0 मार्क फॉर अन अटेम्प्ट, इसमें मार्क नहीं अटेम्प्ट करने से भी आप लोग को कोई बात नहीं, इसमें कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। बात आते हैं दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्क, नेगेटिव मार्क अगर एक क्वेश्चन अगर गलत करोगी तो आप लोग को इसमें 0.25 मार्क आप लोग को काट जाएगा, इसमें नेगेटिव मार्क, इसमें साफ साफ बताया गया दोस्तों। बात आती है दोस्तों इसमें फिज PET and PSC के लिए स्टैंडर्ड के लिए मिनिमम आपको हाइट 152.5 सेंटीमीटर होना जरूरी है दोस्तों, और चेस्ट की बात करें तो 5 एक्सपेंशन आप लोग को करना होगा दोस्तों। वेट की बात करें तो आप लोग को ऑटोमेटिकली वेट आप लोग को 48 kg होता है दोस्तों, हर रिक्रूटमेंट में आप लोग को पाटा होगा दोस्तों। इसके साथ साथ इसमें साफ इसमें भी दिया गया है दोस्तों आपका जो भी है आपका डेंटल है तो सारी आप लोग को फिट होना जरूरी है दोस्तों। इसमें डिस्टेंस 6 मीटर आप लोग को करना होगा दोस्तों, गुड हेल्दी गुड सेफ गुड आपका माउथ टिप क्या होता है तो आप लोग को पूरा गुड बॉडी फिटनेस कैंडिडेट लिया जाएगा, इसमें साफ साफ बताया गया है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग को भी जरूर डाउनलोड कर लेना दोस्तों। जब ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगा दोस्तों मैं आज इस चैनल में मैं आप लोग को सारी प्रोवाइड कर दूंगा, इसलिए आप लोग को घबराने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। मैं आप लोग को दोस्तों मैं आप लोग को बता मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आप लोग को डाउनलोड करके मैं आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ मैं आप लोग को साथ मैं आप लोग को ओपन करके दिखाता हूँ दोस्तों, आप लोग को भी विश्वास करने के लिए दोस्तों। दोस्तों देख सकते हो फाइनली डाउनलोड हो चुका है दोस्तों, मैं ओपन करके दिखाता हूँ दोस्तों, आप लोग को भी ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना दोस्तों। देख सकते हो फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग को भी जरूर डाउनलोड कर लेना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग को ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन जाके आप जरूर विजिट कर लेना, आप लोग को विश्वास करने के लिए लाइव प्रूफ करके सर मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर आ चुका है। तो दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों, जब लिंक एक्टिव होगा ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगा मैं इस टाइम में आप लोग को रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंटआउट फॉर्म तक मैं आप लोग को सारी प्रोवाइड कर दूंगा, इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, और चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।